हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कुछ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर्स द बॉर्डर विथ भूटान, यानी भूटान के साथ इंडिया के कितने राज्य अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसका सही उत्तर है चार। टोटल चार राज्य इंडिया के हैं जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और ये चार राज्य हैं सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टर्मरिक कलर इज मेनली येलो ड्यू टू, यानी कि हल्दी का रंग पीला क्यों होता है। तो सही आंसर है करकुमिन। करकुमिन है जिसकी वजह से हल्दी का रंग पीला हमें दिखाई देता है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, यूरोप का सबसे लंबा नदी का नाम बताना है आपको। तो सही आंसर है वोल्गा रिवर। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुंचिकल वाटरफॉल इज इन विच स्टेट, कुंचिकल एक वाटरफॉल है वो किस इंडिया के किस राज्य में आता है। तो सही आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि शिमोगा राज्य में ये वाटरफॉल आता है, और ये वराही रिवर जो कि वहाँ कर्नाटका में बहती है उस पर सिचुएटेड है, यानी कि उस पर है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इज कॉल्ड, पर्शियन ट्रांसलेशन जो महाभारत था उसका पारसी भाषा में जो ट्रांसलेट किया गया उसको क्या कहते हैं। तो उसको रज्म नामा बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ये जो महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन है, यानी कि जो अनुवाद है पारसी भाषा में, वो बहुत पहले हुआ था और इसको लिखा था अब्दुल फैजी ने। ये अकबर काल में थे जिन्होंने ये महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था, और उसका नाम है रज्म नामा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टिनेंट अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट कॉन्टिनेंट हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है अफ्रीका का। ध्यान दीजिएगा, साउथ अफ्रीका नहीं है, अफ्रीका पूरे एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है। तो सही आंसर है माउंट किलिमंजारो। ये पर्वत केनिया में स्थित है। इसकी खास बात यह भी है कि जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी जो हमारे हिंदुस्तान में मानसून आता है, वो इसी से टकरा के हमारी तरफ मुड़ जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान के कौन से वो मतलब चीफ जस्टिस थे, यानी सुप्रीम कोर्ट के CJI थे, जो कि राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो सही आंसर है मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे और एक समय में राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच सुल्तान बिल्ट अलाई दरवाजा, सुल्तान किस सुल्तान ने अलाई दरवाजा बनाया है। तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा आप लोगों को पता होगा कि ये
कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आता है, यानी कि जहाँ कुतुब मीनार बना है वहीं ये भी बना हुआ है अलाई दरवाजा, जिसको अलाउद्दीन खलजी ने बनवाया था। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज कॉल्ड, यानी कि जो खून के थक्के जम जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनका एक पर्टिकुलर टर्म है, उनको क्या कहा जाता है। तो सही आंसर है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन बोलते हैं खून के थक्के जमने को। आप लोगों को पता होगा कि खून के थक्के जमते हैं किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन के है। जब विटामिन के की कमी होती है तो खून के थक्के जमते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज़ नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर्स लोकेटेड, यानी कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर जो है वो कहाँ स्थित है। तो उसका सही उत्तर है उत्तराखंड में। ये इंस्टीट्यूट 1665 में बना था, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑनर में, यानी कि उनके सम्मान में ये 1665 में बनाया जाता था। और इसको ये मोस्ट प्रेस्टिजियस माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है एशिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे एशिया में सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है माउंटेनियर्स के लिए के, यानी कि जो ट्रैकिंग होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट बना है, जहाँ लोग लो सीखते हैं और फिर पर्वतारोही पे जाते हैं, यानी कि पर्वत पे चढ़ाई करते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप हमें आगे किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।